के लिए प्रेरित किया और आप लोगों ने अपनी भरपूर समर्थन और सहयोग करके हमको जिताया। किसी भी विधायक, सांसद या चेयरमैन को जिताने के पीछे, उसकी मदद के पीछे एक सामान्य व्यक्ति के मन में भी एक कल्पना होती है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, और अगर वो जीते तो क्या करे, सत्ता में रहे तो क्या करे, और विपक्ष में रहे तो क्या करे, यही कल्पना होती है एक सामान्य आदमी के मन में। और जो लोग खास तौर से एक्टिव वर्कर के रूप में मदद करते हैं, उनके मन में ये कल्पना जरूर होती है कि हमारा विधायक, सांसद, चेयरमैन अगर सत्ता में रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन जुटाकर, और विपक्ष पर रहे तो अपनी आवाज़ बुलंद करके कम से कम अपनी पहचान बनाए रहे। और एक योद्धा करके उनको संबोधित किया, एक स्वाभिमानी योद्धा। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार अपने क्रियाकलापों की वजह से आज एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में दुनिया में जानी जाती है। लोगों की लोक दृष्टि बदली है, जो उत्तर प्रदेश को आज से 6-7 साल पहले बीमारू प्रदेश करके लोग जानते थे, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में जाना जाता। देश और दुनिया का परसेप्शन बदला, और उसका सबसे बड़ा आधार यह है कि लोग उत्तर प्रदेश को सबसे सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे सेफ स्थान मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। 3 जून 2022 को प्रधानमंत्री जी ने 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ किया लखनऊ में, और आज फिर से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रहा है। 10 हमारी सरकार के 8 ग्रुप जो मंत्रिमंडल के नेतृत्व में, मंत्रियों के नेतृत्व में विदेश गए थे, यूरोप भी गए थे, अमेरिका भी, जापान भी गए थे, आयोजित भी करते हैं। और एक आज के दिन खास तौर से दान की भी परंपरा बहुत पुरानी है, दान भी करते हैं हम मकर संक्रांति के अवसर पर, जो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अपनी परंपराओं के आधार बनाते हैं। हम हृदय से बधाई देते हैं। 31 मार्च तक जो आयोग बना है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसी के आसपास चुनाव होंगे। ये भी कहना तो निश्चित नहीं है कि कब होंगे, लेकिन जिस सरकार का ये प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हो चुनाव, और जो भी परिस्थिति बनी है कोर्ट से, उसके लिए विधिवत आर्डर पास किया गया है। हम माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करेंगे, उसकी कंप्लायंस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और कोशिश ये होगी कि जल्दी से जल्दी चुनाव। मुख्यमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल इस दिशा में बहुत सक्रिय है कि हमारा प्रदेश में कैसे बेहतरी और ज़्यादा बेहतरी हो, और ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित हों, और ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारी आर्थिक गतिविधियाँ और ज़्यादा सुसज्जित हों, ताकि हम $1 trillion की इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर सकें। धन्यवाद। केवल उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का है, और उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है, और हर तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरा मंत्रिमंडल इस दिशा में बहुत सक्रिय है कि हमारा प्रदेश में कैसे बेहतरी और ज़्यादा बेहतरी हो, और ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित हों, और ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारी आर्थिक गतिविधियाँ और ज़्यादा सुसज्जित हों, ताकि हम $1 trillion की इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर सकें। धन्यवाद।